भगवान मिलते कब? हमने रामायण से पूछा कब मिलेंगे भगवान, भगवान को हम प्रिय कब लगेंगे, ठाकुर जी को हम प्रिय कब लग सकते हैं? तो ठाकुर जी ने ही मानव गोस्वामी जी से लिखवाया, निर्मल जन निर्मल मन जन सो मोहि मोहि कपट छल छिद्र न भा। भगवान को कब पा सकते जब मन निर्मल हो। और कल हमने कहा भी था कथा के पहले दिन में पहली बार गोविंद जी भी बैठे थे और गोपाल जी, एक बात तो है दोनों भाइयों में हम मेहमान नहीं गा रहे पर एक खूबसूरती है, संतों का सम्मान ये करना जानते हैं। गोविंद जी और गोपाल दोनों लोग संतों का सम्मान करना है। संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए दोनों लोग जानते हैं। हम कल आए, हम इतनी अच्छी कथा कह पा रहे तो यहाँ की व्यवस्था के कारण कह पा रहे, सच प्रभु कृपा तो है। पर दूसरा कारण हमारी आदत है, हमको कथा के पहले थोड़ा टाइम चाहिए रहता, थोड़ा हम मंथन कर लें, थोड़े लुढ़क लें, थोड़ी चाय फुरक लें, फिर हमारा कथा में ज्यादा मन लगता है। कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, इन दो ही जनों की एक आदत है कि ये हमें डिस्टर्ब नहीं करते, ना किसी को मिलने ले आते ना मिलवाते, गुरुजी आप तो शोर कथा करो। हमारे जैसे आलसी को यही आनंद आता है क्योंकि हम आलसी बहुत हैं, हमें बहुत है। पर एक बात है, संतों का सम्मान करना बहुत अच्छे से आता है। तो अच्छा देखिए, भगवान को पाने का उपाय क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल। कल हमने कथा में प्रारंभ दिन में कहा था, मेरे पागलों लोग तन चमकाते हैं पर मेरे पागलों तन चमकाने की जगह अगर दुनिया वाले मन चमकाने लगे तो क्या कहना। मन को चमकाना पड़े, मन को चमकाया जा सकता भगवान की कथा से, भगवान को पाया जा सकता मन की निर्मलता से। मन की निर्मलता कब होगी? जब कथा रूपी सर्फ एक्सल लगेगा। कपड़ा साफ कब होता है? बड़ा जागी किशन भैया का भजन किस किस को सुनना है? हमको भी सुनना है, जरा हाथ नीचे कर लो। लेकिन एक गीत हमें याद आ गया, बहुत पहले हमने सुना था, ये हमारे गौतम बाबा हैं, उन्होंने गाया था। जरा तुम भी माइक ले लो, बहुत आनंद आएगा इस गीत में। बड़ा प्यारा गीत है, भारत के लोगों। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली एक दिन करना पड़ेगा। तैयारी करो, दोनों हाथ उठा के। भरोसा हम जाए चलते
शरीर है, शरीर को ही कुटिया कहा, प्राणों को निकलना कहा। साधक कहता, जरा सुनना, बड़ा चेतावनी दी थी। साधक कहता, भाड़े की कुटिया को तू क्या संभाल, किराया किसका चुका रहे? श्वासों का। श्वासों के किराए को चुका करके जी रहे हो। मालिक कौन है? परमात्मा। किराए के शरीर में रहने वाले लोगों, जरा कान खोलकर सुन लो। भाड़े की कुटिया को तू क्या संभाले, भाड़े की एक दिन तुझे परमात्मा इस दरवाजे से, शरीर से निकाल देगा, फिर क्या करोगे? इसलिए साधक कहता, दोनों हाथ उठा करके, इसका किराया चुकाना पड़ेगा, इसका किराया चुकाना पड़ेगा, इसका किराया चुकाना पड़ेगा, इसका किराया चुकाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा जो नोटिस,
जमानत न होगी पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी पल्ले अगर अमानत न होगी अगर भजन की अमानत नहीं होगी ना तो जमानत नहीं होगी नरक जाना पड़ेगा इसलिए साधक ऐसा हो करके कैद तुझको जाना पड़ेगा तुझको जाना पड़ेगा हो करके कैद तुझको जाना पड़ेगा हो करके कैद तुझको जाना पड़ेगा काया कुटी खाली निकलना पड़ेगा मुसाफिर जाना तो पड़ेगा एक घंटा बाद जाओ या दो घंटा बाद घर वाले देख रहे होंगे राह कब तक बाबा के चक्कर में पड़े रहो जाना पड़ेगा यहां से घर भी जाना पड़ेगा उस घर भी जाना पड़ेगा एक घर भर नहीं है तुम्हारे दो दो घर है ये किराए का घर है वो तुम्हारा असली घर है वहां भी जाना है यहां की तो तुमने तैयारी कर ली अपना बैग रख लिया मोबाइल रख लिया गाड़ी तैयार कर ली वहां की क्या तैयारी है उस घर की इसलिए दोनों हाथ उठाओ अरे मन सिरसा वालों भारत वालों दुनिया वालों सुनो मेरी न मानोगे यमराज आएंगे मेरी न मानोगे यमराज आएंगे मेरी न मानोगे जो तो यमराज पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा
काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, करना